नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश पंजाब जी में। जैसा आपको पता है कि हम 2022 का मैथ का और इंग्लिश का पूरा सॉल्यूशन दे रहे हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए। ऑलरेडी हमने मैथ वन मैथ टू का पूरा सॉल्यूशन दे दिया है, अब हम करने वाले हैं इंग्लिश का। और इंग्लिश का सॉल्यूशन आपको मिलेगा दो पार्ट में, जो कि आज फर्स्ट पार्ट हम करने वाले हैं, जिसमें हम हिंदी मीडियम का पेपर इंग्लिश का सॉल्व करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक होगा। और रिमेनिंग क्वेश्चन है 5, 6, 7, ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट 2 में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1A, और यहाँ पे देखिए टोटल 4 क्वेश्चन मैंने पहले बता दिए। जो 1A है आपका, यह लैंग्वेज, ओके, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होता है, मतलब ग्रामर के ऊपर क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1A का पहला क्या दिया हुआ है, डू एज डायरेक्टेड अटेम्प्ट एनी 4। टोटल 6 क्वेश्चन दिए हैं अपने को, 4 क्वेश्चन ही केवल करना है। मैंने आप लोग बताया था कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है कि जो आप इजिली तरीके से कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन को आप ड्रॉप कर सकते हैं। मैंने बोला था 4 ही करना है, तो आप 4 ही करिए। पंक्चुएशन वाला मैंने बोला था ड्रॉप करने के लिए, तो आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए इसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है मैंने बोला था करने के लिए, तो इसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स बाई यूजिंग करेक्ट लेटर्स। करेक्ट लेटर्स इसमें यूज करके आपको क्या करना है, वर्ड को कंप्लीट करना है। पहला है क्या, YOUNG, क्या हो जाएगा यहाँ पे, यू भरना है, तो क्या हो जाएगा, यंग हो जाएगा, YOUNG। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना जरूरी है। उसके बाद दूसरा वर्ड, WORLD, एल भरना था इसमें, रॉयल में ओ भरना था, इसमें हॉर्स, इसमें भी ओ भरना था। बहुत इजी थे, 2 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल गए। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, पुट द फॉलोइंग वर्ड इन अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकल मैंने 2 बताया था, 2 आएगा, 2 तरीके से आएगा, एकदम सिंपल आएगा, एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आएगा। तो पहला पैरेंट, मिसचीफ, किड एंड ईपी, इसमें ABCD में जो सबसे पहले आता है यहाँ पे क्या होगा, ई, तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद के आएगा, यह 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद एम, उसके बाद ओके ईपी, किड्स, आपको ऐसे फिर से लिख लेना है, पहले ईपी लिखना है, फिर किड्स लिखना है, मिसचीफ लिखना है, एंड पैरेंट लिखना है। नेक्स्ट अगला वाला जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे टाइम, टफ, टेम, टेक्निक, सब टी से स्टार्ट है, सबका टी हम कैंसिल करते हैं। ओके, फर्स्ट हमें टी क्या है, सबका कैंसिल करें, तो इसका फर्स्ट लेटर आई है, इसका ओ है, इसका ए है, इसका ई है, तो ABCD में ए, मतलब ये पहले हो गया, उसके बाद ई हो गया यहाँ पे, फिर उसके बाद आई हो गया यहाँ पे, और ये लास्ट में, इतना इजी है। टेम, टेक्निक और टाइम और टफ, इस तरह आपको इसको अरेंज करके लिख देना है। पेपर बहुत इजी आया था, हर साल के अपेक्षा बहुत ही पेपर इजी था। नेक्स्ट पंक्चुएशन, पंक्चुएशन करने का है, देखिए पंक्चुएट मैंने बोला था इसको आपको ऑप्शन में डालना है, लेकिन आप इसको कर सकते थे, सी सैड, आई एम डूइंग माई बिट, तो सी सैड यहाँ पे क्या होगा, यस कैपिटल होगा सी सैड, एंड यहाँ पे कॉमा लगेगा, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा से हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल कॉमा रहेगा, ओके, छोटा सा कॉमा, और यहाँ पे, और आई कैपिटल, आई एम डूइंग माई बिट, और यहाँ पे फुल स्टॉप, और ये इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। दूसरा देन स्टे विथ मी टू नाइट सी सैड, देन स्टे में, तो यहाँ पे कैपिटल है और ये कोई कह रहा है, ओके, देन स्टे विथ मी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, एक कॉमा बाहर रहेगा, अंदर नहीं रहेगा, ओके, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, बाहर ये कॉमा लगा देंगे, सॉरी टू नाइट भी रहेगा साथ में, ये कैपिटल रहेगा, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा, देन स्टे विथ मी टुनाइट, यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, और यहाँ पे फुल स्टॉप, सॉरी यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, ये बाहर कॉमा, बाहर ही रहेगा, यहाँ पे फुल स्टॉप, देन स्टे विथ मी टुनाइट ही शी सेड, लास्ट में फुल स्टॉप, ओके, ये हो गया हमारा। और ये मीना वाला चैप्टर का है, इजिली आप कर सकते हैं इसको, मैंने ऑप्शन में बोला था करने के लिए, इसको हमें करना ही नहीं था। मेक 4 वर्ड्स मिनिमम ऑफ 3 लेटर्स ईच यूजिंग द लेटर इन द वर्ड, मतलब ये जो दिया गया है वर्ड ग्रैंड डॉटर, इसका जो भी लेटर यूज करना है करके, आप क्या करना है, आपको 4 वर्ड बनाने हैं, लेकिन वो वर्ड क्या है, कम से कम 3 लेटर उसमें होने चाहिए। ऑन नहीं चलेगा, ओ नहीं चलेगा, इन नहीं चलेगा, मतलब डबल, हाँ 2, 3 लेटर चाहिए। यहाँ पे ग्रैंड हो जाएगा, ग्रैंड माने बड़ा होता है ना, GRANDE, ग्रैंड हो जाएगा। एक डॉटर भी करके अलग वर्ड आता है, इसको भी हम लिख सकते हैं DAUGHT। उसके बाद ANDE, एंड भी हम लिख सकते हैं, ओके, और कुछ HER, हर आएगा, और ऐसे बहुत ढेर सारे वर्ड बनते हैं, आप चाहे तो जितना, रैन भी बनता है ना,
रन लिखिए, रन नहीं जमेगा आप रन लिख सकते हो। ओके, ऐसे कई वर्ड आप बना सकते हैं, इजी था। ओके, मैं पेपर बोल रहा हूँ पहले की बच्चा बहुत इजी था, तो इजीली आप लोगों ने किया भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ हमारा जो दिया है, राइट द रिलेटेड वर्ड एंड शोन इन द एग्जाम्पल, मतलब लाइफ, लाइफ कैसी होती है, हैप्पी होती है, सैडनेस होती है, ओके, लेजी लाइफ, कुछ लोग होते हैं ना लेजी लाइफ जीते हैं, और हो सकती है इमोशनल लाइफ भी हो सकती है क्या, हैप्पी स्पेशल लाइफ, और स्पेशल एक और कौन सी लाइफ होती है, एज ए कहा जाता है ना लाइफ स्टाइल, कहते हैं उसको, मतलब यहाँ पे जो भी वर्ड रहना चाहिए ना वो है आपका एडजेक्टिव। ओके, एडजेक्टिव ही होना चाहिए, कोशिश करिए। ओके, एडजेक्टिव अनहैप्पी भी हो सकता है, हैप्पी अनहैप्पी भी है, सैडनेस में लिख दिया उसके लिए, हैप्पी लेजी अनहैप्पी एंड डल, डल लाइफ होती है पूरी जिंदगी जब डल हो गई, डल लाइफ हो गई, और एक इंजॉयमेंट नहीं, नहीं रिफ्रेशमेंट नहीं, और लाइफ सिक्योर लाइफ, सुरक्षित जीवन, ये भी हो सकता है, कोई भी यहाँ पे वर्ड यूज करना होगा क्या होना, एडजेक्टिव होना चाहिए, तो इस तरह हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट, कंप्लीट द वर्ड चेन इन द वर्ड इन चेन ऑफ द वर्ब्स, यहाँ पे वर्ब का मैंने बताया था कि वर्ड चेन तीन तरीके का आता है, कभी एडजेक्टिव का आ सकता है, कभी नाउन का आ सकता है, कभी वर्ब का, तो इस बार वर्ब आ गया तो बहुत ईजी है, एड फोर, हाँ तो अभी फोर वर्ड आपको एड करना है तो पता ही है, ईट, यहाँ पे ईट है तो यहाँ पे हम टेक ले लेते हैं, टेक, फिर ई से आ गया, तो ई से इलेक्ट, इलेक्ट मीन्स चुनना, चुनाव करना है, हाँ इलेक्ट, टी से आ गया, टी से टॉक, बात करना, ओके, फिर नो, ये सारे के सारे क्या है, वर्ब्स है, क्या है, वर्ब्स है, तो वर्ब का आपको चयन बनाना था, ये ध्यान दीजिए कि अगला वर्ड आपको मिले ऐसा ही लेना है, और मैंने बहुत पहले आप लोगों को वीडियोस दिया है कि वर्ब्स, ओके, द टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, इस तरह देखेंगे हमारे चैनल पे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा, उसे आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद कर लेंगे। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन हमारा हमारा 1B आता है, 1B में देखिए दो क्वेश्चन है, डू इज डायरेक्टेड, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया अटेम्प्ट एनी वन, इसमें से एक ही करना है, मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस बाई यूजिंग द फ्रेज टू रन अवे, रन अवे मीन्स भाग जाना, हाँ पुलिस को देखते ही चोर क्या हो गए, रन अवे, एंड टू सी द पुलिस, टू सी द पुलिस द थीव्स रैन अवे, रैन यहाँ पे रन अवे नहीं करेंगे हम, रैन अवे भाग चुके हैं, भाग गए, टू सी हाँ एज 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 द थीफ, एज द सी एज द थीफ सा द पुलिस ही रैन अवे, जैसे ही थीफ ने, अकेले मैंने बोल रहा हूँ, जैसे ही थीफ ने पुलिस को देखा, पुलिस को देखा हुआ क्या हो गया, भाग गया, तो आंसर क्या लिखेंगे, एज द थीफ, एज द थीफ सा द पुलिस ही रैन, ओके, चलिए नेक्स्ट, एड ए क्लॉज ऑफ दी फॉलोइंग सेंटेंस टू एक्सपांड इट मीनिंगफुली, मैंने ये आप लोग को अलग से ग्रामर बताया है, हमारे चैनल पे सर्च करेंगे एड ए क्लॉज, बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही थी, मैंने इस तरह कई एग्जाम्पल लेके बता दिया, जैसे आई साय बॉय, मैंने एक लड़के को देखा जो हु वॉज क्राइंग, जो क्या कर रहा था, हु वॉज क्राइंग, जो क्या कर रहा था, रो रहा था, जो चिल्ला रहा था, लिख सकते हैं बस एकदम सिंपल है, मैंने बताया था आपको हु व्हाट वेयर विच, ये सारे कंजंक्शन का यूज करके आपको क्या करना है, इस क्लॉज को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें से आपको एक ही करना था, या ऊपर वाला है तो नीचे वाला, तो नीचे वाला इजी था, तो मोस्टली सारे बच्चे इसको अटेम्प्ट करने चाहिए। नेक्स्ट, अटेम्प्ट एनी वन, केवल एक करना है, एड ए प्रीफिक्स और सफिक्स टू मेक न्यू वर्ड, प्रीफिक्स और सफिक्स लगाना, प्रीफिक्स मीन्स क्या होता है, पहले सफिक्स माने बाद में, तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है, पे का अन आ, आ, पे का पेमेंट, ओके, पे का हम पेमेंट कर दे, मेंट लगा देते हैं, ओके, पेमेंट पेबल भी कर सकते हैं, उसी का हैप्पी का अनहैप्पी, ओके, आप कुछ भी दोनों में से, दोनों को कुछ भी लगा सकते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स कुछ भी, प्रीफिक्स माने पहले लगाना है, सफिक्स माने पहले, मैंने पहले वाले में सफिक्स लगा दिया, दूसरे वाले में प्रीफिक्स लगा दिया, में कुछ भी लगा के आपको न्यू वर्ड बना देना है, पे का पेमेंट हो जाएगा, हैप्पी का अनहैप्पी हो जाएगा, या तो ये करिए, या तो आप ये भी कर सकते हैं, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, किसी एक वर्ड का यूज करके आप एक सेंटेंस बनाना है, पे आई पे माई रिमेनिंग फी, मैंने अपनी रिमेनिंग फी पे कर दिया, ओके,
आईपैड होना चाहिए, आई विल पे, ऐसा लिख सकते हैं, आई विल पे माई रिमेनिंग फी, मैं अपनी बची हुई फी पे करूंगा, आई विल पे माई रिमेनिंग फी, ओके हैप्पी, शी इज वेरी हैप्पी गर्ल, शी इज वेरी हैप्पी गर्ल, बॉय के बारे में लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर टू पे। क्वेश्चन नंबर टू ए और टू बी, यह दो पैराग्राफ रहेगा और दोनों आप बहुत इजी रहेगा और दोनों बुक का ही रहेगा। देखिए यहाँ पे एक, हाँ सॉरी, एक टेक्सुअल एक नॉन टेक्सुअल होता है ना, ओके उसके बारे में बात करते हैं। ये पहला जो हमारा है यह टेक्सुअल ही है, और नॉन टेक्सुअल क्वेश्चन नंबर चार में आता है। यहाँ पे दोनों क्या रहेंगे, दो रहेंगे और दोनों क्या रहेंगे हमारे, टेक्सुअल ही रहेंगे। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन दिया गया, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। मैंने ट्रू फॉल्स में क्या बताया था, सबसे पहले आप लोग को पूरा सेंटेंस लिखना है, उसके बाद ही ट्रू एंड फॉल्स लिखना है। तो ट्रू फॉल्स में सबसे पहले आपको पैराग्राफ पढ़ना है, तो पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा, मैंने पैराग्राफ पूरा रीड कर लिया है। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स फटाफट जवाब देना है, मैं ढूंढ ढूंढ के आपको बता दूंगा कैसे करना है। आफ्टर ए हर्टी लंच द नैरेटर सेटल डाउन विथ अ स्टोरी बुक। देखिए यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे लिखा है, आफ्टर ए हर्टी लंच माई पेरेंट्स एंड माई एंगर सिस्टर ले डाउन फॉर एन आफ्टरनून नैप एंड आई सेटल डाउन विथ ए स्टोरी बुक। यस, मैं भी क्या हुआ, स्टोरी बुक पढ़ने में बिजी हो गया। ओके यस, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो आपको पूरा सेंटेंस लिख के क्या लिख देना है यहाँ पे, ट्रू। सेकेंड वाला, द क्वाइट आफ्टरनून प्रेजेंटेड द परफेक्ट बैकड्रॉप फॉर रीडिंग अ मिस्टीरियस स्टोरी बुक। नहीं, गलत हो गया, ये वाला फॉल्स क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे वो बोल रहा है मिस्टीरियस बुक, यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, एडवेंचरस बुक। ओके, रीडिंग एंड एडवेंचर स्टोरी, एडवेंचर स्टोरी है, और यहाँ पे इन्होंने क्या लिख दिया है, मिस्टेरियस। ओके, मिस्टेरियस स्टोरी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। इस वर्ड की वजह से पे क्या हो गया, हमारा फॉल्स हो गया। नेक्स्ट, द नैरेटर इग्नोर द कमोशन एट फर्स्ट, और स्टार्टिंग में उसने जो आवाज हो रही थी उसको क्या किया, इग्नोर किया। यस, यहाँ पे देखिए उसने इग्नोर किया है, आई चोज टू इग्नोर द कमोशन थिंकिंग दैट द बैक ऑफ द डॉग्स माइट हैव कॉर्नर अ हैपलेस पिग। तो यहाँ पे पहला उन्होंने इग्नोर किया था, तो यह ट्रू है, सत्य है कि उन्होंने पहले इग्नोर कर दिया, हो सके कोई ये पार्ट मैंने आपको हिंदी में ट्रांसलेशन बताया। नेक्स्ट, द नैरेटर रश टू द वेरेंडा टू सी वेदर वेयर हिज फैमिली वाज, मतलब वह देखने के लिए वेरेंडा में भाग के गए, बरामदा में भाग के गए, उनकी फैमिली कहाँ पे है। गलत, यहाँ पे देखिए, आई रश टू वरांडा सू व्हाट वाज गोइंग ऑन, क्या चल रहा था, फैमिली उनकी कहाँ थी, सो रही थी। तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा, यह फॉल्स होगा। ओके, इस तरह आपको सेंटेंस लिख के सामने डैश मार के ट्रू और फॉल्स लिखना था फटाफट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है, आपको इस तरह जैसा वेब दिया है उसी तरह वेब बनाना है, मैंने पहले बता दिया था, इस तरह आपको वेब आएगा। तो सबसे पहले इधर लिखना, द साउंड दैट ब्रोक द साइलेंस, मतलब कौन कौन सी आवाजें थी जिसकी वजह से शांतता भंग हो रही थी। तो शांतता भंग होने के लिए यहाँ पे कई आवाजें थी, यहाँ पे सबसे पहले क्या थी, बार्किंग ऑफ द डॉग्स। ओके, बार्किंग ऑफ डॉग्स लिख सकते हैं, एक हो जाएगा, और दूसरा फ्लॉक काविंग ऑफ द फ्लॉक ऑफ द क्रोज, कौवे क्या कर रहे थे, काव काव कर रहे थे, ये भी लिख सकते हैं। और दूसरा पैक ऑफ द डॉग्स, तो लिख दिए कि हो गया, बार्किंग ऑफ द डॉग्स हो गया। एंड एग्रेसिव अलार्म डिस्टरबेंस बुक, एंड और कहाँ पे है, एग्रेसिव कैनोपी डिस्टरबेंस अप्रोचिंग डॉग का ही यहाँ पे दिया है, स्पैरोज का। हाँ, हाउट से स्पैरो एंड हॉर्स काविंग ऑफ द, यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, एंड चर्पिंग ऑफ द हाउस स्पैरो, यहाँ पे भी दिया है, चर्पिंग ऑफ द हाउस स्पैरो, एक पार्ट यहाँ पे लिख देते हैं। एंड कौवे का तो मैंने लिख दिया, यहाँ पे है, काइट फ्लाइंग हाई अब। ओके, और श्रील कॉल ऑफ द काइट, हो गया, चारों मिल गया, दो यहाँ पे मिल जाएगा, एक यहाँ पे है, एक बार्किंग ऑफ द डॉग्स हो गया, और दूसरी चिड़ियों के चहचहाना है, और दूसरा जो काइट है आकाश में, जो चील है उड़ रही है, उसकी श्रील आवाज भी है, उसकी जो कर्कश आवाज है वह भी डिस्टर्ब करती है। तो चारों पॉइंट आपको यहाँ पे देख देना। उसके बाद जो मैच करने का आ गया, क्वेश्चन नंबर वन ए में, वन ए थ्री में, ए थ्री में आपका क्या होता है, मीनिंग आती है, अपोजिट वर्ड आता है इस तरह, लेकिन ये कैसा है, डिस्क्राइबिंग वर्ड, एडवेंचर, एडवेंचर क्या थी, स्टोरी थी। तो मैच आपको नहीं करना बल्कि इसके सामने लिखना है, तो ये आप वर्ड के सामने लिख दीजिएगा, हर्टी, हर्टी लंच था। ओके, हर्टी मीन्स पेट भर के, और एंगर, एंगर और सिस्टर्स थी उनकी, ये तीन में आ जाएगा, हेल्पलेस पिग, ये हमारा फोर में आ जाएगा। तो आपको इसे ऊपर नीचे करके लिख लेना है,
एडवेंचर के सामने लिखना है स्टोरी, हर्टी के सामने लिखना है लंच, एंगर के सामने लिखना है सिस्टर्स, और हैपले ये इसे कहते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहते हैं, और यहाँ पे उन्होंने पूछा भी है डिस्क्राइबिंग वर्ड एडजेक्टिव वर्ड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर A4 में आते हैं, जो कि आपका ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन होता है, जहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है आई बिकेम डीपली अब्जॉर्ब इन द बुक। इसको हमें सिंपल प्रेजेंट में करना है, तो ये क्या है पास्ट में है, आई बिकेम, बिकेम की क्या कर देंगे हम उसको प्रेजेंट करेंगे बिकम हो जाएगा। ओके बस इतना ही चेंज करना कुछ नहीं। आई बिकम डीपली अब्जॉर्ब इन द बुक, बस इतना ही चेंज करना है। दूसरा आई चूज टू इग्नोर द कमोशन अंडरलाइन द इन्फिनिटिव, टू इग्नोर क्या करना है आपको, टू इग्नोर को अंडरलाइन करना। मैंने इन्फिनिटिव वगैरह सब आपको सिखा दिया है, ऑलरेडी हमारे चैनल पे जाएंगे सर्च करेंगे सारे के सारे ग्रामर है, साथ में हमारे साइट को विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, और इस पेपर के बहुत सारे ग्रामर थे जिसका सॉल्यूशन आपको हमारे साइट पे मिल जाएगा, साइट का नाम है द इंग्लिश ग्रामर डॉट कॉम। ओके क्या नाम है, द इंग्लिश ग्रामर्स डॉट कॉम। चलिए तो ये हमारी साइट है, इस साइट को विजिट कर सकते हैं। विच टाइप ऑफ स्टोरी डू यू लाइक टू रीड, आप कौन से प्रकार की स्टोरी पसंद करते हैं पढ़ना और क्यों, तो आप लिख सकते हैं आई लाइक टू रीड हिस्टोरिकल, हाँ हिस्टोरिकल लिख सकते हैं, एडवेंचर कुछ भी लिख सकते हैं, हिस्टोरिकल स्टोरीज बिकॉज फ्रॉम देयर, हाँ फ्रॉम देम आई गॉट सम इंस्पिरेशन, उनसे क्या मिलती है हमें इंस्पिरेशन मिलती है, कुछ मोटिवेशनल मिलता है ना आज, तो बिकॉज आई गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम देम। आई लाइक टू रीड एडवेंचरस या एडवेंचर स्टोरी बिकॉज फ्रॉम देम आई गॉट इंस्पिरेशन, जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। इस तरह आप लिख सकते हैं, लिखना जरूरी है, मैंने पहले बोला था सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने, अगर आप लिखते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, सादे पेज पे कोई मार्क्स देता है क्या, नहीं, तो यू हैव टू राइट। नेक्स्ट रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटी, यहाँ पे भी अगला पैराग्राफ आ गया, अगला पैराग्राफ भी आपका टेक्सुअली पैराग्राफ है, जो कि दो टेक्सुअल पैराग्राफ और नॉन टेक्सुअल पैराग्राफ आपके बुक के बाहर का क्वेश्चन नंबर 4 में आता है। ये मीना वाला चैप्टर आ गया, जो कि बहुत ईजी था, मैंने बहुत ईजी तरीके से एक्सप्लेन भी किया है इसका हिंदी ट्रांसलेशन, आप देख सकते हैं, तो मैंने इसको रीड कर लिया है। अब हम इसका क्वेश्चन आंसर फटाफट देख लेते हैं, और आंसर कई बार मैंने बोला अगर आप रीड नहीं करते ना तो क्वेश्चन आंसर ढूंढने के लिए आपको बहुत दिक्कत होती है, क्यों दिक्कत होती है, क्योंकि जैसे मीना स्टेड एट एलोन हैज, अब इसको आप देखेंगे ना तो यहाँ ढूंढेंगे सेंटेंस में, उसके लिए आपको पूरा सेंटेंस के ढूंढ पूरा पैराग्राफ एक बार छानना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, इससे अच्छा आप रीड करके देखें तो आपको पता चलेगा कौन कहाँ पे है। तो मीना स्टेड, देखिए यहाँ पे एकदम सबसे पहली लाइन में है, शी स्टेड अलोन इन एन अपार्टमेंट, ओके इन अलोन एज लिखा है यहाँ पे एज हर पेरेंट, तो हमें इन नहीं लिखना, हमें एज लिखना है, एज हर पेरेंट लिव्ड इन दिल्ली, यहाँ से आपको लिखना है, एज वहां पे लिखा है तो क्या लिखना है, हर पेरेंट्स लिव इन दिल्ली, बस इतना आपको फर्स्ट वाले में लिखना है। नेक्स्ट सेकंड वाला दिया है मीना हैड द हैबिट ऑफ, मीना को किस तरह की हैबिट थी, कंप्लेन करने की लोगों की ना, तो यहाँ पे लिखा है एंड शी वाज एन ओनली चाइल्ड एंड हैड हैबिट ऑफ द कंप्लेनिंग अबाउट एनीथिंग, यहाँ से हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ये भी हो गया, सेकंड मिल गया, कितना इजी है, जब आप पढ़े लेंगे तो फटाफट मिलेगा, इजी आता है। द नरेटर वाज कॉट इन, नरेटर किस में फंस गई थी, बहुत तेज बरसात हो रही थी वहां पे फंस गई थी, तो आई फाउंड माई कॉट इन द यहाँ पे द रेन एट द बॉम्बे फ्लोरा फाउंटेन, ये आपको लिखना है। ओके चलिए नेक्स्ट, सी मीना द नरेटर फर्स्ट रिएक्शन वाज, मीना को देखते ही इसका पहला रिएक्शन ये था कि क्या कहते, दैट सडनली स्टैंडिंग माई फर्स्ट रिएक्शन, यहाँ पे कहाँ है, सडनली आई स्पॉटेड मीना माई फर्स्ट रिएक्शन वॉज टू रन इवन, हाँ बस इतना ही, टू रन लिखना है क्योंकि भाग जाए, क्योंकि मीना क्या करिए वो मिलेगी ना तो फिर से वही अपनी कंप्लेन करना सीख करने लगेगी, पर लगेगी यहाँ वहाँ बातें करने, इसलिए मेरा पहला यही रिएक्शन था कि उसको देखते मैं क्या करूँ, भाग जाऊँ, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, टू रन, चलिए हो गया। नेक्स्ट अब आते हैं मीना के कैरेक्टर के बारे में बताना है, तो मीना के कैरेक्टर के बारे में आपको अपने मन से नहीं लिखना है, मीना के बारे में आप ज्यादा नहीं जानते होंगे, तो मीना के बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ से आप अगर आपने यहाँ तक कॉपी भी कर लिया ना तो नो 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 फ्रॉम हियर टू हियर, बस इतना ही, ओके मैं यहाँ से अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, यहाँ से लेके आपको यहाँ तक, ये पूरा यहाँ तक, यहाँ पे सी की जगह मीना कर सकते हैं, मीना वाज एन ओनली चाइल्ड, यहाँ पे सी की जगह मीना करके लिख सकते हैं, बस और कुछ नहीं, ये आपको पूरा पूरा 2 मार्क्स मिल जाएगा। उसका नेक्स्ट आपको आता है फाइंड दी सिमिलर वर्ड, अब देखिए यहाँ पे लिखा है फ्रॉम दी पैसेज लिखा नहीं है, लेकिन आपको पैसेज से ही फाइंड करना है, प्लीजेंट
प्रेजेंट मींस क्या होता है, खुश, खुश माने अच्छा, और प्रेजेंट के लिए आपको लिया क्या लिखेंगे, चीयरफुल, क्या लिखना था, चीयरफुल। दूसरा हैवी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल की हम लोग क्या लिखेंगे, पोरिंग, पोरिंग रेन, क्या लिखेंगे उसको हम लोग, पोरिंग रेन लिखेंगे। यहाँ पे दिया है, पैराग्राफ रीड करेंगे ना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा किस वर्ड की मीनिंग क्या होनी चाहिए। वेल नोन, वेल नोन मतलब प्रसिद्ध, प्रसिद्ध मतलब क्या होता है, पॉपुलर, क्या हो जाएगा, पॉपुलर, ये पे यहाँ पे मिल गया। नेक्स्ट आ गया नोटिस, नोटिस माने ध्यान देना, ध्यान देना मतलब स्पॉटेड, और वहाँ पे भी सेकंड फॉर्म है, मतलब यहाँ पे स्पॉटेड भी क्या है, सेकंड फॉर्म है। तो ये हमारा फर्स्ट का हो जाएगा, ये सेकंड का हो गया, ये थर्ड का हो गया, और ये हमारा फोर्थ का हो गया। कितना ईजी था, मैं तो वही बोल रहा हूँ, पेपर बहुत ईजी है, अच्छे से अगर रीड करते हैं, अच्छा जवाब, सही जवाब मिले देंगे तो अच्छा मार्क्स इसमें आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम B4 में आते हैं। B4 का क्वेश्चन आपका ग्रामर रहेगा, पहला हमारा है शी वजेंट अ वेरी प्लीजेंट कंपनी। वजेंट यहाँ पे क्या करना है, एड ए क्वेश्चन टैग, अगर वाज दिया है तो वाज अच्छा, नॉट दिया तो वजेंट, आपको हेल्प नॉट लगाने की जरूरत नहीं। वाज शी कौन सा होगा, ये ऑप्शन हमारा डी करेगा। नॉट दिया था तो हमें क्या, नॉट नहीं यूज करना है, ओनली वाज शी। आई स्पॉटेड मीना, इसको क्या करना है, बिगनिंग विद, बिगनिंग विद मीन्स क्या, इसको हम चेंज द वॉइस क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चेंज दी वॉइस को ही बिगनिंग विद बोलते हैं। ओके तो चेंज वॉइस क्या हम कैसे करेंगे, मैं लिख दिया मीना, हमें किससे स्टार्ट करना है, मीना से, मतलब मीना स्पॉटेड सेकेंड फॉर्म है, तो हेल्पिंग में क्या लगे, वाज, मीना वाज स्पॉटेड बाय मी, आई के क्या हो जाएगा, ये हमारा। नेक्स्ट, इन योर ओपिनियन हाउ शुड अ फ्रेंड बी, आपके मत से अ फ्रेंड कैसा होना चाहिए। अ फ्रेंड मस्ट बी, हाँ अ फ्रेंड मस्ट बी हेल्पफुल, हेल्पफुल, हेल्पफुल होना चाहिए, और टू अंडरस्टैंड आर फीलिंग, टू अंडरस्टैंड आर फीलिंग्स, आर फीलिंग्स, हमारी फीलिंग्स को समझने वाला होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, आदर करने वाला, ये नहीं, रिस्पेक्टफुल। ओके इस तरह आप इसके बारे में, फ्रेंड कैसा होना चाहिए उसके बारे में आप लोग जानते हैं। फ्रेंड, ए फ्रेंड मस्ट बी गुड कैरेक्टर, अच्छे कैरेक्टर का भी होना जरूरी है ना, ये आप इस तरह लिख सकते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर अब 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका पोएम आ गया। ओके पोएट्री में यहाँ पे टोटल 10 मार्क्स है, 5 मार्क्स आपको एक पोएम के लिए, दूसरा 5 मार्क्स आपको एक पोएम का अप्रिसिएशन लिखने के लिए। तो पहला जो पोएम है ये बहुत ईजी है, इफ यू डू नॉट ट्रेवल, मतलब यू विल ड्राई स्लोली, हाँ यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, ये चैप्टर, ये जो पोएम है इसका है, और यहाँ पे पोएम ऑलरेडी दिया है। तो यहाँ पे क्या है, पहला जो फीलिंग ब्लैंक्स है, मैंने पहले बताया फीलिंग ब्लैंक्स वगैरह आपको पूरा लिख के तभी ये लिखना पड़ता है। द पोएट सजेस्ट टू लिसन टू द साउंड्स ऑफ एनिमल, द साउंड्स ऑफ लाइफ, क्या होना चाहिए, द साउंड्स ऑफ लाइफ होगा। द पोएट सजेस्ट टू स्पीक टू अनफेमिलियर पीपल, जो अनफेमिलियर होते हैं उनसे भी बात करने के लिए सलाह देता है, ये हमारा यह होना चाहिए आंसर, ऑलरेडी सब कुछ यहाँ पे दिया है। ओके चलिए नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग वेब, यहाँ पे वेब आ गया, फिर से जैसा वेब बना है वैसे आपको बनाना है, ओवल की तरह बनाना है, और यहाँ पे पहला हमारा दिया है द पोएट एडवाइज नॉट टू किल, आपको नहीं क्या क्या नहीं किल करना है, नॉट टू किल योर सेल्फ इस्टीम, यहाँ पे देखिए मिल गया, नॉट टू किल योर सेल्फ इस्टीम, ये पहले मिल जाएगा। एंड दूसरा वॉक, नॉट वॉक, वॉक वॉक वाला कहाँ पे है, नेक्स्ट, सॉरी यहाँ पे ही होगा कहीं पे, नॉट वॉक, वॉक जहाँ लिखा रहेगा समझिए वहाँ पे है, स्पीक हो गया फर्स्ट वाली लाइन, डू नॉट ट्रेवल, डू नॉट रीड, डू नॉट लिसन टू, नॉट अप्रिसिएट, डू नॉट स्लेव, चेंज वियर, डू नॉट वॉक, हाँ यहाँ मिल गया। ओके वॉकिंग मिला ना, वॉकिंग एवरी डे ऑन द सेम, हाँ डू नॉट वॉक एवरी डे ऑन दी सेम पाथ, हर दिन एक ही रास्ते पे नहीं चलने के लिए बोलता है। ओके नॉट टू वॉक एवरी डे ऑन दी सेम पाथ, वॉक, हाँ वॉक ऑन दी, आप लिखना वॉक एवरी डे ऑन दी सेम पाथ, मतलब हर दिन एक ही रास्ते पे नहीं चलने के लिए कभी ऐसा सलाह देता है। नेक्स्ट आगे आ गया, फाइंड द नाउन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइबिंग वर्ब, यहाँ पे जो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड, जैसे यहाँ पे क्या है, डिफरेंट, डिफरेंट क्या है, डिफरेंट के आगे जो वर्ड रहेगा ना, डिफरेंट कलर्स, देखिए डिफरेंट क्या है, कलर्स, क्या हो गया यहाँ पे, डिफरेंट कलर्स, यहाँ पे कलर्स होना चाहिए। नेक्स्ट दूसरा हमारा है यहाँ पे सेम, सेम क्या होना चाहिए, पाथ, क्या होना चाहिए, पाथ, यहाँ पे लिखा है ना सेम, फिर ये हो जाएगा हमारा पाथ हो जाएगा।
बहुत इजी। मैंने वैसे देखा ना जो पेपर इंग्लिश का, तो मैं बोला बच्चे तो बहुत अच्छा मार्क्स आएंगे क्योंकि पेपर बहुत इजी आया था। अब पीछे का जो क्वेश्चन नंबर 4 5 सॉरी 5 6 7 वो भी बहुत ही इजी था, तो हमने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा इसी का 3 का B आता है। 3 B में जो क्वेश्चन होगा वह आपका एक पोएम दी होगी, द वर्ल्ड इज माइंड पोएम है, और इसका आपको एप्रिसिएशन लिखना है। एप्रिसिएशन के लिए आपको यहाँ पे पूरा दिया है किस हिसाब से लिखना है। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं ना उनका एप्रिसिएशन क्या करना पड़ता है, उनको पैराग्राफ वाइज में लिखना होता है, लेकिन जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं आप लोग हैं इनके लिए आप लोग को जैसा दिया है हेडिंग हेडिंग वाइज लिखना है। तो पहला आपको टाइटल तो वो यहाँ से मिल जाएगा, नेम ऑफ द पोएट ये भी आपको मिल जाएगा। अब केवल आपको 3 चीज लिखना है और राइम स्कीम मैंने बता दी थी कैसे आपको लिखना है। ओके, राइम स्कीम एक बार लिख के बता देंगे। और फिगर ऑफ स्पीच आपको देखना है, मैंने बोला है फिगर ऑफ स्पीच आपको कुछ भी नहीं आता है तो एलिट्रेशन पक्का है, सब में एलिट्रेशन रहता ही है, इसमें कुछ नहीं तो एलिट्रेशन आप जरूर लिखिए। एनी वन लिखने बोला तो एलिट्रेशन लिख सकते हैं। और यहाँ पे थीम और सेंट्रल आइडिया लिखनी है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं हमारा राइम स्कीम, क्योंकि दो चीज तीन दो तो मिल गया आपको, नेम ऑफ दी, हाँ नेम ऑफ दी पोएम और नेम ऑफ दी पोएट मिल गया, तो ये दो मिल जाएगा क्योंकि पोएम का नाम मिल गया, पोएट का नाम लास्ट में है। अब यहाँ पे देखिए हेयर, हेयर मीन्स ए हो जाएगा, फेयर, फेयर मीन्स क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एसल यह बी हो जाएगा, स्माइल यह बी हो जाएगा, फिर वाइन यह सी हो जाएगा, और यह AABBCC क्या मिल गया हमारा, AABBC इस तरह हमारा ये राइम स्कीम मिल गया। और इसका पूरा सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे दे दिया है, तो आप देख सकते हैं पोएम का नाम क्या है, द वर्ल्ड इज माइंड, नेम ऑफ द पोएट और राइम स्कीम। और यहाँ पे दो मैंने मैंने बोला ना पक्का एलिट्रेशन रहता ही है, अगर पहले भले कुछ ना आपको समझ एलिट्रेशन समझ में आएगा। और यहाँ पे ही इसकी क्या सेंट्रल आइडिया है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप इसको रीड कर लीजिएगा। ओके चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4A और 4B दोनों, हाँ दो क्वेश्चन है, तो 4A का जो क्वेश्चन दिया गया है आपको पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ नॉन टेक्सुअल पैराग्राफ, बुक के बाहर का पैराग्राफ, लेकिन बहुत ईजी है। ओके तो पैराग्राफ मैंने पढ़ लिया है, आप लोग पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। मैं सबसे पहले बोल रहा हूँ पैराग्राफ रीड नहीं करेंगे ना तो क्वेश्चन ढूंढने में, क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन पैराग्राफ का आंसर पढ़ लेते हैं तो फटाक से आप आंसर ढूंढ लेंगे। पहला है डैश जस्ट परसेंट ऑफ आवर डेली कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल, मतलब कितना परसेंट हमारा क्या होता है नॉन वर्बल होता है। यहाँ पे लिखा है 93% ऑफ अवर डेली कम्युनिकेशन इज नॉन, 93% नॉन वर्बल होता है। अभी कहीं बहुत सारी चीजें हम इशारे से करते हैं ना जेस्चर के थ्रू, तो ये इस तरह बोलते हैं नॉन नॉन वर्बल इसको बोलेंगे। आई कॉन्टेक्ट इज अनदर टाइप ऑफ दी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आई कॉन्टेक्ट जब किसी हम किसी बातें करते हैं नजरों से नजरें मिला के, तो भी क्या हो गया नॉन वर्बल, मतलब बहुत चीज आते हैं हम के बिना बोले ही आंखों समझ में आ जाता है में, तो ये हो गया नॉन वर्बल आ जाएगा। नेक्स्ट अगला, फ्रिक्वेंट ब्लिंकिंग इज ए साइन ऑफ द पर्सन फीलिंग, अगर बार बार उसकी आंखें ब्लिंक कर रही तो या तो उसको क्या होगा डिप्रेशन है, या तो डिस्ट्रेस में है, या तो वह क्या है अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। तो ये दोनों आपको वहाँ पे लिखना था, फीलिंग फीलिंग तो पर्सन फीलिंग डिस्ट्रेस और अनकंफर्टेबल, डिस्ट्रेस और अनकंफर्टेबल, वन कैन रीडली डिटेक्ट, वन कैन रीडली डिटेक्ट, ये आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा। आप रीडिंग किए रहेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा, मुझे मैंने रीडिंग किया इससे मुझे फटाफट मिल रहा है। वन कैन रीडली डिटेक्ट हैप्पीनेस सैडनेस एंगर, ओके ये सब आपका आ गया इसमें। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर A2 जो आपका वेब आ गया। बॉडी लैंग्वेज इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, बॉडी लैंग्वेज में क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज में इसकी सीधे होके खाली बोलना ही नहीं, आपके शरीर के हाव भाव भी दिखने चाहिए, तो यहाँ पे सारा का सारा आंसर दिया हुआ है। और बॉडी लैंग्वेज, हाँ लैंग्वेज टू बी डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन फर्स्ट हो जाएगा, जेस्चर, आई कॉन्टेक्ट, बॉडी मूवमेंट, आपको चार ही लिखना था चारों लिखिए, या इसको भी आगे लिख सकते हैं। ओके चार लिख देंगे बहुत है, इट्स इनफ। ओके चलिए ये हो गया हमें। एंड फाइंड द एंटोनिम्स वर्ड, एंटोनिम मैंने बताया था एंटोनिम एंड सिनोनिम, एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड, तो यहाँ पे सब मैं बता दे रहा हूँ। और आपको ये कहाँ से लिखना है, फ्रॉम दी पैसेज, ओके फ्रॉम दी पैराग्राफ, पैराग्राफ से लिखना है, वर्बल का नॉन वर्बल, इंटरटेनिंग, इंटरटेनिंग माने इंजॉय करना मजा देना, और मजा नहीं था बोरिंग, बोरिंग के लिए यहाँ पे बोर्डसम दिया है, कौन सा वर्ड दिया है आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, बोर्डसम क्या सॉरी बोर्डम क्या दिया है, बोर्डम दिया है। ओके तो बोर्डम आप लिख देंगे। नेक्स्ट उसी है सेंडर, सेंडर मतलब भेजने वाला, रिसिपियंट क्या होगा उसको रिसिपियंट बोलते हैं, रिसीवर बोलते हैं, तो रिसीवर हमारा रिसिपियंट यहाँ पे है। ओके सारे वर्ड दिए हैं आपको वही बाहर से नहीं लिखना। उसके बाद कंफर्टेबल का अनकंफर्टेबल खत्म, कितना इजी है, लेकिन ये सारे वर्ड लिख के आपको क्रॉसिंग मार्क लगा के एक्स लिख के उसके बाद ही आपको उसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर A4 जो आएगा आपकी, फिर से आपका ग्रामर आ गया। और ये ग्रामर क्या है, पहला व्हाट, हाँ
डब्ल्यू एस फ्रेम, डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन, आपको डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन बनाना है, अरेंज ऑफ इमोशंस। तो हमें यहाँ पे क्या है, देखिए अरेंज में व्हाट लिखते हैं, क्या लिखते हैं व्हाट, और यहाँ पे हेल्पिंग है क्या, नहीं है। यहाँ पे कन्वे, कन्वे फर्स्ट फॉर्म है, तो डू डजबिन से क्या निकलेगा, डू, व्हाट डू द आईज कन्वे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, आई क्या कन्वे करती है, क्या बताती है। नेक्स्ट, फिजिशियंस कैन टेल अबाउट पेशेंट्स वेलनेस। अब यहाँ पे कैन है तो क्या लगेगा, इज एम आर लगेगा, इज एम आर में से क्या लगेगा यहाँ पे फिजिशियंस, तो हमें आर लगा देना, आर, और क्या लिखा देना है, एबल टू, आर एबल टू, क्या हो जाएगा आंसर, द फिजिशियन, फिजिशियंस आर एबल टू टेल अबाउट पेशेंट्स वेलनेस। बस हमें कैन को हटा देना था, आर एबल, आर क्यों लगाया हमने, क्योंकि यहाँ पे कैन है तो इज एम आर में से ये कोई भी लग सकता है, लेकिन यहाँ फिजिशियंस है बहुवचन है, इसकी वजह से आर लगा दी। ओके ये हो गया हमारा। नेक्स्ट, पर्सन रिस्पॉन्स क्वेश्चन आ गया। पर्सन रिस्पॉन्स क्वेश्चन में क्या दिया है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में यह जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यस, बहुत सारी चीजें होती हैं हम इशारों से बोल देते हैं, है इसमें तुम्हें वहां जाना है, नहीं जाना, ऐसे ना कर दिए, जाओगे तुम, यस बोल दिए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो यस, इसके बारे में आपको दो सेंटेंस लिखना है, दो लाइन लिखना है, यस आई एम, हाँ यस आई नो दैट, यस आई एम एग्री दैट, हाँ आई एम एग्री दैट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। वी वी हैव एक्सप्रेस मेनी, वी एक्सप्रेस मेनी थिंग्स बाई आवर बॉडी जेस्चर, हमारे बॉडी जेस्चर से हम कई चीजें क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं इन आवर डेली लाइफ, हमारे डेली लाइफ के हर दिन की जिंदगी में। इस तरह आप लिख सकते हैं, कमेंट, इसको आपको लिखना ही है। नेक्स्ट, समरी राइटिंग आ गया। समरी राइटिंग मैंने आप लोग बताया था किस तरह लिखना है, तो एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। रीड द पैसेज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 4A एंड राइट द क्वेश्चन, राइट द समरी ऑफ इट एंड सजेस्ट ए सुटेबल टाइटल ऑफ द समरी। मतलब जो भी आप समरी लिखेंगे ये किसके बारे में है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो आपको हेडिंग मिल गया, मतलब समझ में आएगा ना आपको कि आपका टाइटल क्या रहेगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके ये आपका क्या हो गया, हेडिंग हो गया। तो आपको हेडिंग लिखना है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, हेडिंग यहाँ पे आपको बड़े में लिख देना। उसके बाद ये पैराग्राफ आपको क्या करना है, इसको ना आपको छोटे छोटे लाइन्स में क्या करना है, और ये चेंज क्या कर देना उसको, मतलब कि जैसे यहाँ से मैं ये लाइन यहाँ से यहाँ तक ले लेता हूँ, ये हो गया हमारा। एंड इनफैक्ट इंट्रो आई कॉन्टेक्ट, आई कन्वेज द, यहाँ से लेके, यहाँ से लेके यहाँ तक ले लेते हैं। ओके यहाँ तक ले लिए, दो लाइन हो गया। और बॉडी जेस्चर के बारे में ना, तो ये भी ले लेते हैं, तीन लाइन हो गया, बस एक लाइन और ले लेते हैं। लिप्स, लिप्स के बारे में थोड़ा सा लेना है तो ले सकते हैं, और टाइटली लिप्स, द पुपिल इन, हाँ बस एक लास्ट लाइन यहाँ पे ले सकते हैं, इफ द पुपिल आर डिलेटेड इट ऑफन विल इंडिकेट द इमोशन, बस यहाँ तक ले लीजिए, खत्म। आपको ना छोटा करके लिखना है, तो मैंने बोला अगर आपको नहीं समझ में आता है, आपको दो दो सेंटेंस को कंबाइन करने में दिक्कत होती है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, जस्ट आपको क्या करिए, हर पैराग्राफ से एक एक दो दो लाइन लिख लीजिए, आपको एक तिहाई करके लिखना है। जैसे यहाँ पे अगर ये 25 20 50 लाइन बन रही है, तो उसको 1/4 कर देना है, इस तरह आपको इसको समरी में लिख देना है। तो लिखिए आप इसको, अगर बच्चे फेल होते हैं तो यहाँ पे आपको फुल पूरा का पूरा मार्क्स देके आप पास भी किया जाता है, अगर यहाँ पे अगर आप लिखते हैं तो। मैंने सबसे बोला आपको लिखना जरूरी है, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 पूरी तरह कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 होगा, यह आपका राइटिंग स्किल में जाएगा, तो राइटिंग स्किल की वीडियो भी आपको जरूर मिलेगी, उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैं देने वाला हूँ, तो इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट।